जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसके क्रम में कैंट और कोतवाली थाने पर भी थाना दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें आए मामलों का निस्तारण किया गया। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, धमकी बता रहे हैं, धमकी धमका वाला तो इनसे काम लगता है। जमिया पर देखते हैं ना, आप ही हैं। एक्चुअली मुख्तार को सलाम मिला है, आए हुए हैं न्यायालय मामला चल रहा है, तो अपनी आख्या नहीं लगाया। जमीन इसी की होगी तो उसके अपना इसमें आप आख्या लगाइए, आप कागजात के अवलोकन करने से किसी को कोई अवलोकन कोई हल निकालो ना, लड़ाई कोई हल थोड़ी ना है। अगर ये तुम्हारी दीवार गिरा है तो उनकी ड्यूटी ऐसी है, पौने दो महीने पर आ जाते हैं। अभी 15 जुलाई को गए सर, नहीं हुआ है, लेकिन अब गए। अरे मान लो 40 का नहीं होगा, अगर 40 का नहीं होगा 15,000 सर्किल के तीनों थानों कोतवाली, तिवारीपुर, राजघाट मैं स्वयं गया था, और अब तक तीनों थाने मिलाकर के कुछ 5 प्रार्थना पत्र, 5 फरियादी आए हैं, प्राप्त हुए हैं प्रार्थना पत्र। 1 कोतवाली, 1 राजघाट और 3 थाना तिवारीपुर, और सभी जमीन से संबंधित विवाद हैं। संबंधित लेखपाल और क्षेत्रीय बीट प्रभारी सब इंस्पेक्टर को मौके पर जांच हेतु भेजा गया है, और उसके उपरांत उनकी समस्या का समाधान विधि अनुसार किया जाएगा। फरियादों की संख्या में काफ़ी कमी आई है, मामलों का अधिकांशतः निस्तारण किया जा चुका है। ऐसे ही मामले आते हैं जिनका निस्तारण संभव नहीं है तात्कालिक रूप से, या जिनमें मुकदमे चल रहे हैं, वाद चल रहे हैं, वो वाद न्यायालय से ही निस्तारित होंगे। तो तदनुसार काफ़ी कमी आई है।